बहराइच में भेड़िये को पकड़ने का वीडियो सामने आया है। लाठी डंडों की मदद से भेड़िये पर काबू पाया गया। आदमखोर भेड़िये की एक और तस्वीर सामने आई जहां भेड़िया नजर आया कैद। बहराइच में वन विभाग के हाथ लगी बड़ी सफलता। पकड़ा गया एक और भेड़िया। अब तक कुल 4 भेड़िये पकड़े गए। पिंजरे में कैद किया गया आदमखोर भेड़िया। अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके थे भेड़िये। लंबे समय से डर का माहौल। बाकी भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने बनाई कई टीमें। खेतों के पास बिछाए गए जाल। लंबे समय से जारी है भेड़ियों का आतंक। तो भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी बताई जा रही। ड्रोन के जरिए देखे गए 6 भेड़िये। वन विभाग लगातार अभियान जुटा है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिल्ली से आएंगे स्पेशल साइलेंट ड्रोन। नजदीक से जाकर फोटोज ले सकेंगे ड्रोन। बहराइच में पकड़े गए भेड़ियों को गोरखपुर भेजने की तैयारी है। गोरखपुर में होगी भेड़ियों की स्क्रीनिंग। 2 भेड़ियों की तलाश अभी भी जारी। वन विभाग के अधिकारी जानकारी देते नजर। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में वन विभाग को मिली सफलता। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए के पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कलेक्टर ऑफिस की दीवार पर चढ़ा भालू। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। लोगों में दहशत। गुजरात में पकड़े गए मगरमच्छों को वापस पानी में छोड़ा गया। बाढ़ की वजह से रिहायशी इलाके में घुस आए थे मगरमच्छ। गुजरात के वडोदरा में देखा गया 15 फीट लंबा मगरमच्छ। बारिश के पानी से बाहर आया था मगरमच्छ को देख स्थानीय लोगों में है दहशत का माहौल। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश की वजह से कॉलेज कैंपस के परिसर में मगरमच्छ दिखाई दिया। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ा। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से कटकी लेबर कॉलोनी में फंसे श्रमिक स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। गुजरात के जामनगर में बारिश का कहर। टूटी सड़कें, टूटा जनसंपर्क। बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन अलर्ट पर। गुजरात के जामनगर में बारिश के बाद उफान पर रंजीत सागर। लोगों में डर का माहौल, प्रशासन अलर्ट। गुजरात के वडोदरा में आफत में देवदूत बनी सेना। बारिश के बीच फंसे लोगों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। गुजरात के द्वारका में 8 लोगों का किया गया रेस्क्यू। टीम ने नाव के सहारे पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। गुजरात के मोकमपुरा गांव में बारिश ने मचाई तबाही। पानी के बीच फंसी महिलाएं और बच्चे। किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में हेलीकॉप्टर के जरिए चलाया गया रेस्क्यू अभियान। निचले इलाकों में फंसे 23 लोगों को निकाला गया बाहर। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुजरात के द्वारका में भारतीय सेना ने चलाया रेस्क्यू अभियान। हेलीकॉप्टर से 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरें सामने आई। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से बिगड़े हालात। एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात। लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुजरात में बारिश की वजह से बाढ़ जैसी स्थिति खड़ी हो गई है। द्वारका में एनडीआरएफ ने 95 लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से हाल बेहाल है। सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं। स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही है। गुजरात के अरवली में बारिश का कहर। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। जगह जगह जलजमाव की स्थिति। दुकानों में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के अहमदाबाद में भी बारिश से बुरा हाल है और शोला रोड पर जल जमाव देखने को मिला। राहगीरों को हो रही है परेशानी। गुजरात के अहमदाबाद में बारिश से बिगड़े हालात। सड़कों पर भरा बारिश का पानी। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। दिल्ली के आईटीओ में भारी बारिश की वजह से लगा जाम। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। देर रात से राजधानी में हो रही बारिश। दिल्ली में लगातार बारिश से सड़कों पर भरा पानी। धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली के शंकर विहार में जमकर हुई बारिश। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जल भराव की समस्या। लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। उत्तर प्रदेश में बारिश की वजह से गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ गया है। दुकानों में घुसा पानी। सड़कों पर नाव चलती नजर आई। बनारस में भी जमकर हुई बारिश। घाटों में सामान्य से ऊपर हुआ पानी का लेवल। हालात पर काबू पाने में जुटा प्रशासन। जम्मू कश्मीर के रजौरी में गोलीबारी के बाद अलर्ट पर सेना। आतंकियों की तलाश जारी। ड्रोन से की जा रही है निगरानी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से मुठभेड़ जारी। रजौरी के खास लाठी इलाके में गोलीबारी। रजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ के बाद अलर्ट मोड पर सेना। इलाके में चलाया गया सर्च अभियान। आतंकियों की तलाश में सेना।
राजौरी में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी घायल, दो आतंकियों के नदी में फंसे होने की आशंका, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, कुपवाड़ा में सेना ने दो एनकाउंटर में तीन आतंकियों को ढेर कर दिया, तंगधार में भी एक आतंकी के ढेर होने की खबर। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा 2017 से पहले खराब थी प्रदेश की कानून व्यवस्था, हर जगह होते थे दंगे। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था, हर पर्व और त्योहार के पहले दंगे होते थे, बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। अयोध्या में हुए दुष्कर्म मामले पर भी बोले सीएम योगी, कहा सपा नेता के लड़की के साथ किया था दुष्कर्म और पार्टी ने नहीं की थी कार्रवाई। अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ। और ममता बनर्जी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का हमला, कहा लोकप्रियता खो चुकी है ममता, इसलिए कर रही है असंवैधानिक बातें ममता का साथ देने वाले बलात्कारियों के साथ। जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। मनोज तिवारी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा देश देख रहा ममता की निर्ममता, बंगाल के लोगों ने ऐसी क्रूर सीएम की कल्पना नहीं की होगी। देश ममता की निर्ममता देख रहा है, ऐसा निर्मम मुख्यमंत्री की कल्पना पश्चिम बंगाल के लोग भी नहीं कर सकते थे। कटनी की घटना पर एमपी बीजेपी अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान, कहा अपराधी कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा, एक पुलिस कर्मी ने नाबालिग को और उसकी दादी की पिटाई की थी। कटनी की घटना पर एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बीजेपी पर हमला, भाजपा सरकार को बताया दलित विरोधी, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी, अपराध की राजधानी है, दलित अपराध की राजधानी है मध्य प्रदेश देश, क्या इस टीआई के खिलाफ एफआईआर होगी, उसका मकान ढहा जाएगा, मुख्यमंत्री जागेंगे। बीजेपी में शामिल होने पर झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन का बयान, कहा सोच समझ कर लिया बीजेपी में जाने का फैसला, आदिवासी के अस्तित्व को बचाए। प्रशांत किशोर ने जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा जाति जनगणना गरीबी मिटाने में मदद नहीं करेगी। कोलकाता हत्याकांड को लेकर बीजेपी का ममता बनर्जी पर हमला, कहा ममता बनर्जी की प्राथमिकता न्याय नहीं बल्कि बदला है। कोलकाता रेप मर्डर केस के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एनवीएमएससीएच के डॉक्टरों ने प्रदर्शन किया। कोलकाता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, डॉक्टर हत्याकांड पर विरोध व्यक्त किया, काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे अधीर रंजन चौधरी। कोलकाता हत्याकांड में सीबीआई का एक्शन तेज, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में शवगृह में काम करने वाले कर्मचारियों से पूछताछ। कोलकाता हत्याकांड मामले में संदीप घोष से आज भी पूछताछ जारी, सीबीआई कार्यालय में संदीप घोष से हो रहे हैं सवाल जवाब। घटना वाले दिन आरजी कर अस्पताल में प्रसून चटर्जी की मौजूदगी पर सवाल खड़े, नेशनल मेडिकल कॉलेज का डेटा एंट्री ऑपरेटर प्रसून संदीप घोष का है करीबी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रील के चक्कर में जालिम बना किशोर, बैग में बिल्ली को घुमाकर जमीन पर फेंका, वायरल वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौर सौंदर्यम सोसाइटी में एक लिफ्ट अटक गई, करीब 20 मिनट तक लिफ्ट में चार लोग फंसे रहे, गार्ड की मदद से लोगों को बाहर निकाला गया। वीआईपी ट्रीटमेंट पर विवाद के बाद कन्नड़ एक्टर दर्शन युगदीपा को बेल्लारी जेल में किया गया शिफ्ट, पर पन्ना जेल से फोटो वायरल होने के बाद बदली गई जेल, हत्या के आरोप में जेल में बंद है दर्शन। छतरपुर में अवैध खनन मामले में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने खनिज अधिकारी को लगाई फटकार और शिकायत मिलने के बाद एक्शन। यूपी के शाहजहांपुर में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही, प्राथमिक स्कूल की छत पर खेलते नजर आए बच्चे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में आर्केस्ट्रा देखने के दौरान हंगामा खड़ा हो गया, हालात बिगड़े देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाठी चार्ज किया, युवाओं में मची भगदड़।
मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की कवायद तेज, देशभक्ति, संस्कृति, स्वास्थ्य और खेल की थीम पर किया गया सौंदर्यकरण। यूपी के बुलंदशहर में खाना पकाते समय गैस लीक होने से लगी आग, 3 बच्चे समेत 5 लोग झुलस गए। हादसे में झुलसे लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। यूपी के उन्नाव में बारूद के धमाके से 2 मंजिला इमारत ध्वस्त हो गई। इमारत में कई लोगों के दबे होने की आशंका, विस्फोट के बाद इलाके में काला धुआं छाया। दिल्ली में डीटीसी की बस में लगी आग, आग से जलकर बस खाक, सवारियों ने बस से कूदकर अपनी बचाई जान। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मैनपुरी के इब्राहिमपुर गांव में हादसा हो गया, 2 मंजिला इमारत गिरने से एक ही परिवार के 3 महिलाओं की मौत हो गई। परिजनों में मातम का माहौल। हादसे के बाद घटनास्थल से हटाया गया मलबा और एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची। मृतकों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। पटना के पुनपुन इलाके में हादसा हो गया, घर की दीवार गिरने से करीब 40 लोग घायल हो गए। पूजा कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ। घटना पर पुलिस का सामने आया बयान, कहा 40 लोगों को घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र के जलगांव में हादसा, मालगाड़ी की टक्कर से बाल बाल बची महिला, मौके पर मौजूद रेलवे पुलिस ने बचाई महिला की जान। केरल में ट्रक ने ऑटो को कुचला, हादसे की भयावह तस्वीरें सामने आई। हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल। कांग्रेस विधायक रफीक खान के साथ हाथापाई, जयपुर निवास के बाहर हुई घटना, समर्थकों ने विधायकों में मारपीट करने वाले व्यक्ति को पकड़कर पीटा है। यूपी के मुजफ्फरनगर में मशहूर सर्जन पर लगा छेड़खानी का आरोप, हॉस्पिटल में भर्ती लड़की के साथ छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी डॉक्टर विकास पवार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। नोएडा के सेक्टर 100 में बाइक सवार बदमाशों ने स्कूटी सवार से लूटी सोने की चेन, थाना सेक्टर 39 का मामला, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। फिरोजाबाद में अरबी सिखाने वाले मौलवी ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। हरियाणा के यमुनानगर के 2 बारातियों ने एक युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया है। सहारनपुर पुलिस ने आरोपी जनरल सिंह और सुरेंद्र यमुनान को गिरफ्तार किया। यूपी के शामली में नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से दुष्कर्म, धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव, पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 3 हत्यारोपी बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए। अमेरिका में मिलवॉकी तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। सड़क पर साइकिल चलाते एक पेड़ गिर गया, हादसे में बाल बाल बचा चालक। रूस में तूफान का कहर, तेज हवाओं की वजह से कई पेड़ क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तूफान की भयानक तस्वीर सामने आई। और उत्तरी नाइजीरिया में भारी बारिश से उफान पर है नदियां, बाढ़ की वजह से करीब 6 लोगों की मौत, 10,000 लोग बेघर, आम जनजीवन अस्त व्यस्त। गाजा के अल अमल होटल के पास बमबारी हुई है, हमले के बाद लोगों में चीख पुकार मच गई। गाजा में पोलियो के बढ़ते मामलों पर WHO ने चिंता जाहिर की। वायरस को लेकर WHO ने अलर्ट जारी किया, जल्द शुरू होगा टीकाकरण अभियान। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रवक्ता ने वेस्ट बैंक में इसराइल के हमलों पर चिंता जताई है। एजेंसी ने वेस्ट बैंक में हालात बेहद भयानक होने की चेतावनी दी है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उत्तरी इसराइल का दौरा किया, सैनिकों से मुलाकात की, मौके पर कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल की कार्रवाई का समर्थन कर रहा है। प्रस्ताव में कहा गया कि इसराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है। के रोस्तोव में ड्रोन हमला, हमले की वजह से एटलस तेल डिपो पे धमाके के बाद लगी आग, भयावह तस्वीरें आई सामने। जेनिन और तुलकर में IDF ने चलाया आतंक विरोधी अभियान, वीडियो जारी कर दिखाई सैनिकों की तैयारी। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला किया, फिलहाल हमले में किसी के घायल होने की सूचना नहीं। इजरायली सेना की तरफ से जमकर हो रही बमबारी। रूसी रक्षा मंत्रालय ने नेपर नदी के पास यूक्रेनी सेना के एक ठिकाने को ध्वस्त करने का दावा किया है। रूस के नेपर निगरानी ग्रुप ने 2 S-7 Pion स्वचालित तोप से उड़ाया अड्डा, तस्वीरें जारी की। जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया, कहा कुसर क्षेत्र के अलावा कई अन्य जगहों पर कब्जा जारी रखेंगे। वेनेजुएला में निकोलस मदुरो की जीत के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, नतीजों के 1 महीने पूरा होने के मौके पर इक्वाडोर में मदुरो के विरुद्ध प्रदर्शन किया गया, चुनाव में धांधली का आरोप लगाया गया। चीन के सरकारी एयरलाइन कंपनी एयर चाइना और चाइना सर्दर्न एयरलाइंस के काफिले में शामिल हुए आधुनिक C919 जेट विमान एक बार में 4,000 से 5,500 किलोमीटर तक की उड़ान भरने में सक्षम।
टर्बुलेंस में फंसी यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट, एक यात्री घायल। मेक्सिको से शिकागो जा रहे विमान में 172 यात्री और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे। रूसी सीमा शुल्क विभाग ने कार्रवाई की है। एक जर्मन को $1 मिलियन की सोने की ईंटों के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए शख्स से पूछताछ हो रही। अमेरिका के ओरेरा में एक अपार्टमेंट में जबरन घुसे बदमाश, सभी के हाथों में नजर आई बंदूकें। हिंसा करने का वीडियो भी सामने आया। वॉशिंगटन डीसी में कार्रवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को गोली लगी। पीछा करने के दौरान बदमाश ने गटर में फेंकी थी पिस्टल, निकालने की कोशिश में चल गई गोली। अमेरिका के सेल्वाडोर में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 6.1 रही भूकंप की तीव्रता, बड़े नुकसान की खबर नहीं।